देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास तीन आईसी है, एकदम न्यू आईसी है। देखिए 20-30 आईसी है एकदम। ये देखिए, फोकस कर देता हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको कस लेते हैं आईसी को। ये हमारा आईसी, तीन आईसी में ले लेता हूँ। सबसे पहले हम जो भी है थोड़ा बहुत टेरा मेरा हो इसका टांग, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये पांच टांग वाली आईसी है, इस तरीके से ये हमारा सीधा हो चुका है। फिर इसको भी इसी तरीके से सीधा कर लेते हैं ताकि हमको लगाने में आसानी हो। तीसरी आईसी को भी हमको लगाने में आसानी हो इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास हीट सिंक है जो हम आईसी में लगाएंगे ताकि हमारा आईसी जल्दी ख़राब ना हो। ये हमारा हीट सिंक है। अब हीट सिंक को किस तरह से लगाएंगे, पहले हम जो भी टेस्टर में कचरा उचरा उसको साफ करके टेस्टर या किसी चीज़ की मदद से निकाल के उस पर लगा सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं ताकि जो भी हो अपना अच्छे से लग जाए। देखिए पूरी तरीके से पहले हम सब में लगा लेते हैं ताकि हमको बार बार खोल बंद ना करना पड़े। हीट सिंक की कमी ना करे भाई मेरे। जो भी फ्रेंड लगाते हैं ऐसे उसको हीट सिंक लगाइए ताकि हम ये ऐसी जल्दी ख़राब ना हो ना कंप्लेन आए। क्योंकि मैं कई लड़कों को देखा हूँ जैसी तो लगा देते हैं बट हीट सिंक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा जल्दी आईसी हीट हो चुका है, हो जाता है, इसीलिए फुल हीट सिंक लगाएं। देखिए गौर से देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ पूरा पूरा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा हीट सिंक में लग गया, तीनों आईसी में हीट सिंक लगा लिए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको हम फिट करेंगे, एक साइड में रख लेते हैं हम आईसी को। इसके बाद हम बोर्ड ऐसे पलट लेते हैं। बोर्ड पलटने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ये खांचे हम सीधा देखिए हमारा पिन नहीं घुस रहा, हम टेस्टर की मदद से। ये देखिए मैंने फंसा लिया पिन टेस्टर की मदद से। इसको हम फिर इस तरीके से बिठा के इसमें हम नट बोल्ट कस देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें टेस्टर की मदद से इसको बहुत अच्छे से टाइट से टाइट कर देंगे। जितना टाइट रहेगा उतना बढ़िया ये काम करेगा। फिर ये भी इसी तरह से इसमें लगा लेंगे। ये भी हमारा फंस चुका है, इसमें भी फिर हम नट डाल देंगे नट। चलिए हम सब लोग फ्रेंड्स पिलास और पेचकस से ही टाइट करें ताकि पूरी अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। चलिए फ्रेंड्स,
ये हमारा हो चुका है, ऐसे हम सोल्डिंग मार लेते हैं जरा।